हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज इम्यूलेटर। तो इम्यूलेटर क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए देखते हैं कि इम्यूलेटर आखिर होता क्या है। तो देखिए, इम्यूलेटर इज एन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशन दैट इनेबल्स वन कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्लिकेट फंक्शंस ऑफ अनदर कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, इसको हम शॉर्ट में देखें तो एक कंप्यूटर में एक और अलग कंप्यूटर इस तरह से काम करता है कि जहाँ पे हम जो है एक कंप्यूटर का रिप्लिकेट करके दूसरा एक कंप्यूटर सिस्टम वहां पे बनाते। क्यों? तो यहाँ पे देखिए, इम्यूलेट्स अलाउ सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डिजाइन फॉर वन प्लेटफॉर्म टू रन अनदर प्लेटफॉर्म। क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे, जैसे कि हम ये विंडोज है मान लो और ये एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड इम्यूलेटर क्या करता है कि विंडोज सिस्टम पे हमें एंड्रॉइड के एप्लीकेशन चलाने की परमिशन दे देता है। हम यहाँ पे जो है एंड्रॉइड के एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ये हमें प्रोवाइड कर सकता है पूरा सिस्टम। तो इम्यूलेटर क्या होता है कि एक सिस्टम के अंदर सिस्टम हम यहाँ पे रिप्लीकेट कर सकते हो। अब देखिए, इसकी की फीचर्स के बारे में देखोगे तो सबसे पहले है कंपेबिलिटी। तो देखिए, ये क्या करता है कि हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन देता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा ये विंडोज है, मैंने इस पे एंड्रॉइड इम्यूलेटर चलाया, तो एंड्रॉइड तो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रहे थे, ये हुआ कंपेबिलिटी। उसके अलावा टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो टेस्ट कर सकते हैं, जो डिबग कर सकते हैं, मतलब कोई डिबग बग्स वगैरह होते हैं उसे फाइंड करने में यूजफुल होता है इम्यूलेटर। तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो अलग हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि अगर मान लो उसे डिबग करना है अलग अलग सिस्टम पे तो उसे वो सिस्टम चाहिए होंगे अलग अलग। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सिस्टम में वो काम हो रहा है, एक ही सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, मतलब आपको विदाउट नीडिंग फिजिकल हार्डवेयर वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा लेगेसी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इट अलाउज यूजर टू रन आउटडेटेड और डिसकंटिन्यूड सॉफ्टवेयर ऑन मॉडर्न सिस्टम। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, लेगेसी सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको जो इम्यूलेटर क्या करता है, आपको अलाउ करता है जो भी आउटडेटेड होते, मतलब जो बंद हो चुके हैं आउटडेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसे भी आप रन कर सकते हो अभी के सिस्टम में, जो मॉडर्न होते हैं उसमें आप ये रन कर सकते हो, जो पुराने बंद हो चुके हैं जो सॉफ्टवेयर है उसे भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो, उसके लिए आपको ये प्रोवाइड कर देता है। उसके अलावा वर्चुअलाइजेशन होता है, ये क्या करता है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको दे देता है ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए, गेम खेलने के लिए। अगर आपको विंडोज में, आपको कंप्यूटर विंडोज में एंड्रॉइड के गेम खेलने, तो इम्यूलेटर आपको दे देता है कि आप वहाँ पे गेम खेल सकती है, आपको अलाउ कर देता है कि आप यहाँ पे एंड्रॉइड के गेम खेल सकते हो विंडोज में। अब देखिए, इसके एग्जांपल देखोगे हम इम्यूलेटर के, तो वहाँ पे जो है वर्चुअल मशीन में आता है तो VMware आता है, वर्चुअल बॉक्स आता है। और बात करें कंसोल इम्यूलेटर की, तो वहाँ पे डॉल्फिन हो गया, गेम क्यूब एंड वी आता है, उसके बाद PCS-X2 आता है। और एक खास बात है, इस इम्यूलेटर में एक अलग आता है एंड्रॉइड स्टूडियो इम्यूलेटर। अब ये क्या है कि देखिए, जो एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं, मतलब जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन जो बनाते हैं डेवलपर, वो क्या करते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो का इम्यूलेटर देते, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो का इम्यूलेटर यूज करते। वहां पे क्या होता था, यहाँ पे एक मोबाइल उन्हें दिखता है, मतलब एक इम्यूलेटर है, यहाँ पे मोबाइल दिखता है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग करते, यहाँ पे कोडिंग चल रही है और यहाँ पे उसी वक्त उनको ये सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, जो इम्यूलेटर है ना, यहाँ पे एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर दिखाई देता है कि उन्होंने जो कोड किया है वो किस तरह से काम कर रहा है, उनका सॉफ्टवेयर किस तरह दिख रहा है यहाँ पे मोबाइल में, वो विंडोज लैपटॉप पर ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एंड्रॉइड स्टूडियो का जो इम्यूलेटर होता है वो यूज किया हुआ है, यहाँ पे उनका मोबाइल इम्यूलेटर है, वो यहाँ पे वो कोड कर रहे, तो उनको जो है रियल टाइम में पता चलता है कि उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो किस तरह से दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। तो इसलिए काफी यूजफुल होता है ये इम्यूलेटर एंड्रॉइड जो डेवलपर है उनके लिए। तो ये होता है इम्यूलेटर। इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो।